इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में फूटा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको खबर की पूरी जानकारी विस्तार से। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर दीजिए एक दिल से लाइक। पाकिस्तान इस उम्मीद में भारत की जीत की दुआ कर रही थी कि भारत साउथ अफ्रीका को हरा देंगे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन भारत के हार के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने के दरवाजे बंद नजर आ रही है और अब पाकिस्तान बचे हुए मैच खेल के अपने घर वापस जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीद में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मैच हराकर पानी फेर दिया है, जिस कारण से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स भड़के हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मैच को भारत ने भी जीतने के लिए बहुत कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे। भारत ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 133 रन बनाए, जिसमें सूर्य कुमार एक अकेला ऐसा बल्लेबाज था जो 60 से अधिक रन बना पाए और साउथ अफ्रीका के सामने मात्र 133 रनों का लक्ष्य रख पाए, जिसका पीछा करने उतरे साउथ अफ्रीका को भी पहले अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई। साउथ अफ्रीका की बैटिंग लड़खड़ाती रही लेकिन डेविड मिलर और एडन मार्करम रहे अच्छी साझेदारी निभाई और दोनों ने भी हाफ सेंचुरी लगाई, जिसके बदौलत साउथ अफ्रीका इस रनों के लक्ष्य को पीछा करने में कामयाब हो पाई। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों की कमर कस के रखी और इस लक्ष्य को आसानी से चेज ना होने दिया। साउथ अफ्रीका ने बड़े दिक्कतों के साथ लास्ट के ओवर में इस लक्ष्य को चेज कर दिए और भारत की इस शर्मनाक हार से पाकिस्तानी मीडिया गुस्से से आग बबूला नजर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स और पाकिस्तान की मीडिया को यह भारत की साजिश जैसे लग रही है। उनका कहना यह है कि भारत ऐसा कारनामा 2019 के वर्ल्ड कप में भी कर चुका है और उन्हें पता था कि भारत उस तरह के कारनामा इस बार भी करने वाले है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया भड़के हुए है।